हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैटुक चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। यदि सभी विद्यार्थियों के 5 अंक बढ़ा दिए जाए तो कक्षा का नया औसत अंक कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 94 और ऑप्शन डी 95। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 30, ठीक है। वही 30 विद्यार्थियों की औसत की अगर बात करें या औसत अंक की बात करें तो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 90। तो इसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक बराबर 90, ठीक है। वहीं अंक में बढ़ोतरी या वृद्धि की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंक में वृद्धि, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। वही हमें नया औसत क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। नया औसत ये हमको फाइंड करना है, इतना क्लियर है, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर दिया हुआ है 30, ठीक है, और इनका जो औसत अंक है, ठीक है, 30 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो दिया हुआ है 90, ठीक है। तब कुल अंक कितना हो जाएगा इनका, तब कुल अंक बराबर ये हो जाएगा हमारा 30 गुने में 90। और 30 और 90 का जब गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 9 3 27, और यह आ जाएगा हमारा 2700। यह आ जाएगा 30 विद्यार्थियों का कुल अंक, ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास 30 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना निकल कर आया, तो ये निकल कर आया है 2700, ठीक है। अब आगे कंडीशन रखा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी का 5 अंक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तब आगे मैं लिख देता हूं, सभी विद्यार्थियों का 5 अंक बढ़ाने पर कुल कितना अंक बढ़ जाएगा, तो विद्यार्थियों की संख्या है 30, यदि हम सभी का 5 अंक बढ़ाए, ठीक है, तो संख्या में या अंक में कितनी की वृद्धि होगी, तो 5 3 15, ठीक है, और शून्य, तो 150 अंक की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। यदि सभी विद्यार्थियों का 5 अंक बढ़ाया जाए तो कुल संख्या में यानी कि 2700 में 150 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा आगे, इसलिए मैं इसलिए का चिन्ह बना देता हूँ, इसलिए कुल अंकों का योग, ठीक है, कुल अंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुल अंक हमने निकाला था 2700, ठीक है, प्लस में आ जाएगा सभी विद्यार्थियों की संख्या में 5 बढ़ाने पर, तो 5 बढ़ाने पर कितना अंक वृद्धि होगा, तो 150 अंक की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 2700 और 150 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2850, ठीक है, ये कुल अंक हमारे पास आ गया, ठीक है। सभी विद्यार्थियों की संख्या में 5 अंक बढ़ने पर कुल अंक जो होगा वह कितना होगा, तो 2850, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, तो नया औसत पूछा गया है। अब हमने यहाँ पर कुल अंक ज्ञात कर लिया है, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हमको ज्ञात है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है, 30 विद्यार्थी है, ठीक है, तो अब हम इसकी सहायता से नया औसत ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, तब नया औसत, ठीक है, तब
नया औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2850, ठीक है, जो कुल अंक है 5 अंक बढ़ाने पर ऊपर आ जाएगा वो, और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, 30। तो 30 का शून्य जो है 2850 के शून्य से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचेगा 285/3। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 से जब 285 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद 3 निया 27 और 3 पंचे 15, ठीक है। 285 जो है वह 3 से 95 बार में कट जाएगा और यही हमारा क्या होगा, नया औसत होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, नया औसत होगा, या फिर ये कहे कि इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों की संख्या में 5 अंक बढ़ाने पर, ठीक है, 30 विद्यार्थियों का जो नया औसत निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो 95 आएगा। चलिए अब बारी आती है ऑप्शंस की, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 95 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 95 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 95, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में यदि सभी विद्यार्थियों के अंक में 5 अंक बढ़ा दिया जाए तो नया औसत का जो अंक होगा वह कितना होगा, वह 95 होगा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल भी साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक एवं क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।